हाँ तो मेरे भाई जो सूरज से पहले उठ गया था आज मैं। अरे फोकस हो, सूरज से पहले उठ गया था सही में आज, देख रहे हो तुम्हारे भाई को। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज जा रहा हूँ मैं वृंदावन, मैं जा रहा हूँ और एक भाई और है भाई। ब्लॉग में बने रहना और लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना। बाकी आज की ट्रिप कुछ होने वाली है, टू व्हीलर में जा रहे हैं, एक भाई और है, भाई किसी भी मिलवा दूँगा। भाई कुछ खाने के लिए गया हुआ है अभी। और भाई ब्लॉग में खूब मौज आने वाले, क्योंकि भाई मैं अभी कुछ दिनों पहले गया था केदारनाथ, बट वहाँ पे जा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ नहीं था, इसकी वजह से मेरे को वापसी आना पड़ गया और मैं बाइक से ही जा रहा था। बट अब जा रहे हैं एंट्रॉक स्कूटी से, स्कूटी अपनी इधर की साइड ही खड़ी हुई है। बाकी सूरज बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इधर से, फोटोज़ वगैरह क्लिक करा लेता हूँ। बाकी सिनेमेटिक्स क्या मज़े लेना, और ब्लॉग तो आपका है ही। गाइस अपने बीच में ये रही एंट्रॉक और ये रहे अपने भाई। चिराग भाई क्या हाल है? चलो भाई, भाई भी चल रहे हैं अपने साथ। भाई अब ड्राइवर कर रहे हैं चेंज, तुम्हारा भाई बैठा है बाइक पे, वो सॉरी बाइक याद है एंटॉर्क पे। चलिए राधे राधे। गाइस अभी हरियाणा में कुछ हूँ, बर्फबारी हो रखी है भाई, यहाँ पे देख लो। और भाई ये खड़ा हुआ, अभी कुछ खाने के लिए रुके हैं, कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। घर से कम हम 60-70 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, इधर बस टायर में हवा कम है यार, हवा डलवा लेते हैं। फिर भूख भी लग रही है, मैं तो कोई इतनी फील भी नहीं लग रही, पर खा लेते हैं। तो जो भाई ट्रिप में अभी तक तो फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि भाई एक तो ज़्यादा दूर नहीं है ना, कि पता है भाई पास में ही जाना है। अब जाना हो भैया बहुत दूर तो फिर टेंशन भी होती है, 150 किलोमीटर है, पास में हो जाएगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब कम है तो हमारे 4 घंटे हमको लगेंगे। बट अभी एक घंटा हुआ हमको निकले हुए, हम इतना हमने 70 किलोमीटर कवर कर दिया है, अभी यहाँ से 90 किलोमीटर और करीब बचा हुआ है। तो मेरे भाई जो भी अगर वृंदावन आने के लिए प्लानिंग कर रहा है तो भाई आएगा, बट भाई एक्सप्रेस वे से मत जाना, गाड़ी वाले भी हो, टू व्हीलर वाले भी हो, जैसे भी हो, क्योंकि भाई अगर आप उससे आओगे ना गाड़ी से तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। जैसे ये फोकस कर देता हूँ, अगर आप एक्सप्रेस वे से जाओगे तो आपको ना तो वहाँ पे कोई ढाबे मिलेंगे ना कुछ मिलेगा। आप इस वाले अपने हरियाणा वाले रोड से आओ, पलवल की तरफ से जो आता है ये वाला NS-19, इधर से आपको सारी चीज़ खाने की हर एक स्टॉप पे मिलेंगे, 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे सारे स्टॉप्स मिल जाएंगे। और यहाँ पेट्रोल पंप भी है, हवा जैसे टायर पंचर हो जाता है, सब चीज़ का सुविधा है। बट एक्सप्रेस वे पे आप जाओगे, मैं वहाँ से भी गया हूँ, वहाँ पे आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा, बड़ी दिक्कत हो जाती है। एट द एंड आके भाई कनेक्ट यही वाला रोड करता है, बट फिर भी तो आप आओगे तो इधर की साइड से ही आना। सो गाइस चाय आ चुकी है अपने बीच में, आलू प्याज का पराठा आ चुका है, भाई ने ले लिया है चिप्स अपनी और खाते हैं, इसको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, कुल्हड़ वाली चाय। चलो जी 100 किलोमीटर की ट्रिप में तीसरी बार ड्राइवर चेंज हो रहा है, कह रहा कि भाई पीछे बैठने में दर्द हो रहा है। मैं कहा तू पहली बार अभी गया है ना, अब जो पहली बार आता है यार उसको कैसे पता लग सकता है ना, मैं तो समझ सकता हूँ कि कितना दर्द होता है कितना दर्द नहीं होता। चलिए भाई आ चुके अपने भाई चिराग अरोड़ा जी। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर और भाई खुशी बहुत ज्यादा हो रही है। और अभी फिलहाल बाइक पार्किंग लगाने के लिए आए हैं भाई, हमारा फायदा अगर गाड़ी वाली होती तो गाड़ी हमें 2 किलोमीटर पहले रोक देती, बट हम लोग आए हैं अपनी स्कूटी से, स्कूटी हम तो प्रेम मंदिर के सामने लगा रहे हैं अभी भाई, स्कूटी लगाने के, स्कूटी लगवा के फिर मुँह हाथ धो के सीधा निकलते हैं मंदिर में। चलिए जी प्रेम मंदिर। हाँ भाई साहब जी कैसा लगा? भाई कैसा लगा? चलो जी प्रेम मंदिर के दर्शन कीजिए, एंट्री हमने ले ली है अभी यार, जबरदस्ती में वो लगा दिया। बस मंदिर में भी फिलहाल तो घूम रहे हैं, फिर फोटो शूट वगैरह करवाएंगे अभी, फ्रेश होके मुंह धो के देखो जबरदस्ती वो लगाते मेरे, मैंने बोला कि लगवाते हैं अभी लगवाएंगे, पहले हम मुंह हाथ धो ले थोड़ा सा, भाई आ रहा है पीछे, वहाँ धोके फिर टीके वीके लगा के इन कपड़ों को चेंज कर लूँगा, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और भाई एक नंबर। हाँ जी भाई कैसा लगा मंदिर, कैसा लगा अभी तक? भाई बहुत खूबसूरत, अभी तो पूरा देखा नहीं हमने ठीक से, मज़ा आ गया। हाँ तो जी वो वाले जैकेट वगैरह मैंने उतार दिए हैं, उसके बाद अब वॉशरूम गए हुए थे, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, मुँह हाथ धो लिए,
अब यहाँ पूरा मंदिर आपको घुमाते हैं और पूरे सारे व्यूज दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ है क्या क्या चीज़ नहीं है, है ना। चलते हैं, ब्रदर आ रहा है जी। आपको लेके चलता हूँ आप गोवर्धन के पर्वत के नीचे, जहाँ पे पूरा गांव कृष्ण जी की एक छोटी सी उंगली पे बिल्कुल टिका हुआ है। देखिए ये वाला, देखिए जी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना ज़्यादा बोलूँ कम और आपको सारा व्यू दिखाऊँ एक सिनेमैटिक में वीडियो चलाते हुए। देखिए वाओ, रात घनेरी और छुपने लगे हैं तारे। जी लेके चलते हैं आपको प्रेम मंदिर की तरफ, चप्पल उतार लेते हैं अभी क्योंकि थोड़ी बहुत तो इज्जत हमारे अंदर बची हुई है, है ना। गोवर्धन पर्वत के नीचे फोटोज करवा लिए हैं, अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ, जो कि अभी तक आपने रील में स्टेटस में सब जगह देखा होगा, बट आज मैं खुद अपनी आंखों के सामने से देख रहा हूँ और अपने व्यूअर्स को खुद दिखा रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा भाई, आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। लीजिए प्रेम मंदिर, चलो दर्शन करने मंदिर में अंदर। बिल्कुल भाई, चलिए तो इंतजार है। चलिए इसके बाद चलेंगे बाकी बिहारी मंदिर, है ना। बिल्कुल भाई, यहाँ की टाइमिंग रहने वाली है 11 बजे बंद हो जाता है, फिर 4:30 बजे खुलेगा, तो अगर 12 बजे बंद हो जाएगा तो अपने हिसाब से आना भाई, फिर दिक्कत हो जाएगी। मंदिर में चलते हैं दर्शन के लिए, गोवर्धन पर्वत उधर भी इधर है, कृपालू प्रेम मंदिर में एंटर होते हैं। पेड़ा 440 रुपये किलो भाई, देख लीजिए वृंदावन का फेमस। चलिए जी, यहाँ से प्रसाद ले लिया हमने, इधर से हमने बाहर से लेना पसंद नहीं किया भाई, मन कर रहा था कि अब जब अंदर आए हैं तो अंदर से एक प्रसाद ले लेते हैं, यहीं से प्रसाद हमने ले लिया। तो प्रसाद इधर से ले लिया, प्रसाद बैग में हमने रख लिया है, भाई वाले बैग में रखा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ, जो कि आगे की तरफ है यहाँ से, उसके बाद जाएंगे हम मथुरा भी जाएंगे इसके आगे थोड़ा सा, वहाँ भी 2-3 मंदिर और बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, मुझे सिर्फ वृंदावन के बारे में पता था, बट भाई बता रहे हैं, तो आगे चलते हैं आपको पूरा। बट एक बात है, वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं है, मतलब जगह ही बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है, तो लोग इतना लग नहीं रहा कि भीड़ भाड़ हो भी रही है, नॉर्मल इजी है, ज़्यादा इतना सिस्टम भी नहीं है। जो प्रेम मंदिर के बाहर का चाहिए फोटो वीडियो दोनों देते जो भी है। असद प्रेम मंदिर को बोल रहे हैं भाई भाई, इस्कॉन टेम्पल चलते हैं अब, प्रेम मंदिर तरफ से जा रहे हैं। अब हम ले लिए स्कूटी निकाल रहे हैं, अब चल रहे हैं बाके बिहारी के, बाके बिहारी जी के मंदिर, प्रेम मंदिर को बोल दिया बाय बाय। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना यार, बहुत ही गर्मी। जो अगर कोई बाके बिहारी मंदिर आ रहा है तो उसके लिए पार्किंग भाई यहाँ से होगी, उसे थोड़ी सी आगे आना है, बाकी आपको अगर ऐसे भी कहीं भी खड़ी करके जाओगे ना तो आपकी स्कूटी बाइक वगैरह कुछ भी उठा लेंगे, तो ऐसे खड़ी कोई करना मत। बाकी अभी हम जा रहे हैं जो सबसे बड़ा में से एक मंदिर है, बाकी बिहारी जी के मंदिर चलते हैं। अभी मंदिर में भीड़ है थोड़ी सी, बाकी प्रेम मंदिर में तो थी नहीं, मंदिर खूब है यहाँ पे, यहाँ फ्री रखे जाते हैं, जूते चप्पल कोई भी आ रहा था यहाँ पर उतर के चले जाओ। सो गाइस, बाकी बिहारी जी के दर्शन हो चुके हैं, बट भाई बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि एक तो लोग यहाँ पे झगड़ रहे थे दुकान ना खोलने के ऊपर, बड़ी तगड़ी लड़ाई हो रही थी यहाँ पे, वीडियो भी शूट करी, थोड़ी बहुत शूट करी, वो जो जाने के रास्ते होते हैं ना वो तोड़ रहे थे, जो लोग मैंने लोग बाकी दुकान लगा रखे ना, ये दुकान हटवाने के चक्कर में ये सब लोग कर रहे हैं। अभी बाहर आ गए हैं, इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं हम लोग, और अंदर तो भाई बहुत बुरा हाल था, पैसा लेके दर्शन करवा रहे हैं यार, हमने भी दिए पैसे, मना नहीं कर रहे पर दर्शन तो कर लिए, बट ये गलत चीज़ कर रही है भाई हम लोगों ने। अब इस्कॉन टेम्पल चल रहे हैं, चिराग आ रहा है अभी, स्कूटी देखते हैं, स्कूटी हमने कहाँ खड़ी करी है, स्कूटी
पता नहीं कहाँ से घुसे थे, कहाँ निकले, कुछ पता नहीं लग रहा। बाइक निकालते हैं अपने यहाँ से, 39 मिल रही है। सो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं हम लोग स्कॉन टेम्पल, श्री 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 कृष्णा बालरम टेम्पल, इसको स्कॉन टेम्पल भी कहा जाते हैं। चलते हैं अभी अंदर इसके, बट इसमें ना अंदर फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हमने फ़ोन बैग में रख देंगे। अभी कुछ खा पी लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। चलो भाई चले, चलो भाई चलो, गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। राधे राधे। स्कॉन टेम्पल में एंटर कर रहे हैं आप, वहाँ जाना है स्कॉन टेम्पल के लिए। वाह, ये नज़ारे कोई और नहीं दिखाएगा, तुम्हारा भाई दिखा रहा है तुमको। वाह, भाई ने भी करी है और ये भगवद गीता भी ले लिया हम लोगों ने, और मैंने भी करी, दोनों भाई ने किया। एक अलग सी शांति से मिली अंदर, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, 108 बार बोला है। और भाई मैं कह ये कह रहा कि टाइम कम है, मैं कहा भाई चलो कर लेते हैं, अब चलते हैं मथुरा। मथुरा में गोवर्धन जाना है, दो चार जगह जाना है। भाई अब कौन सी जगह जाना है? अब हम चल रहे हैं भाई मथुरा। मथुरा में एक कंस कोठी है और एक ठाकुर जी की जन्मभूमि है। अच्छा, दोनों जगह चलते हैं अभी। बिल्कुल भाई, है ना। हाँ तो भाइयों अभी फिलहाल आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। देखिए इस गेट से एंट्रेंस है, गेट नंबर 1। चलते हैं अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि में। और अंदर का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, ते हो रे ते हो। गाना अच्छा गाता है ना। चलो जी, एक चीज़ बहुत गलत हो गई अपने साथ, मंदिर बंद है। क्या सच में रिकॉर्ड करा था? हाँ। अरे
चार बजे तक मंदिर बंद है, तो भाई हम चार बजे तक कैसे रुकेंगे, अभी एक बज रहा है, तीन घंटे और तो कहाँ रुकेंगे। तो अभी हम दिल्ली निकल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो याद भी रहेगा और चीज़ें भी पता रहेंगी अभी कितने बजे तक खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो अभी निकलते हैं दिल्ली के लिए, सीधा भूख लग रही है, कुछ खाते हैं कहीं अच्छी जगह रुक के। राधे राधे दोस्तों, तो हम आ चुके हैं फुटओवर ब्रिज के ऊपर, क्योंकि हमारे को हाईवे के लिए यूटर्न लेना है। यूटर्न यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही मजा आ रहा है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे बिल्कुल फुटओवर ब्रिज पे, एक नंबर, ये भी वन टाइम एक्सपीरियंस है, पहली बार किया है, पहली बार किया है। यूपी वाला लुक भाई का, यूपी कैसी रहते पता तेरे को, दबंग वाला चश्मा लगा के, सुहापी बांध के, बस हेलमेट लगा रखा है मैंने। अभी फिलहाल रुके हैं वृंदावन से थोड़ी सी आगे, देखते हैं कहाँ चलना है, सबवे, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा, सब चीज़ें यहाँ पे, तो देखते हैं भाई कहाँ पे चलना है। भाई बैठेंगे यार, भूख लग रही है, जल्दी आते चलो। देर सफर करने के बाद भाई आ चुके हैं, माल उसको खाते हैं, इसके बाद निकलूंगा सीधा दिल्ली, भूख लग रही है बहुत जोर की। क्या पता आगरा निकल जाए, आगरा भी निकल सकते हैं, कुछ नहीं पता, प्लान का कुछ नहीं पता। अब भाई कैसा लग रहा है? अभी तक तो अच्छा लग रहा है भाई, पहली बार कर रहा हूँ जिंदगी में वाली चीज़ तो। और भी बहुत चीज़ें जो तू पहली बार करेगा। डर लग रहा है तुझे? अबे खींच रहा है ना भाई, बॉडी खींच रही है। तो क्या हो गया? भाई जल्दी से बताऊंगा। बेटा मैंने स्काई डाइविंग बुक करी थी। बुक करी थी ना, करी थी। तो कैंसिल हो गई ना, दुबई वालों ने करी, मैंने थोड़ी। नहीं हाल तो ठीक है भाई, पर मैं तो पैर अभी तुझे देखूंगा मैं। पहले कभी करी है तूने? हैं? दबंग वाले चश्मे पहन के मेरी तो दबंगगिरी निकल गई। तो भाई निशान पड़ गया होगा पैरों में। डर नहीं लगता ना? अभी रुक जा अंकल से, तुझे करवाता हूँ। देखना भाई हाथ लाल पड़ गया यार, यहाँ से भी वीडियो तो बढ़िया तेरी बनी रही है, पर पहले पहले मुझे भी मजा आ रहा था। थोड़ी लग रहा था मेरे को, हाँ टाइम बचा भी तो तू तो मिल। चल कोई बात नहीं भाई, पैसे वसूल तो ठीक है भाई, कुछ अलग भी करना चाहिए, तो आज ही थोड़ा सा एडवेंचर कर लिया, पर रात में भी लग गई यार। और यूँ कह रहा कि हाँ भाई स्वाद मुझे तो आ गया, तू बता। बहुत बढ़िया, पर यार जान खींच रही थी उसकी वजह से। इसके 12 मिनट हो चुके हैं यहाँ से, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, घर यहाँ से बचा है 122 किलोमीटर दूर, घर पहुँच जाएंगे शाम को 6:30 बजे करीब। बाकी सिनेमैटिक्स देखिए, अगर बीच में कहीं रुकते हैं तो वहाँ भी लगाते हैं। क्यों भाई, कहाँ रुक सकते हैं आप? बिल्कुल रुकेंगे। चलो जी, ₹400 में तो उसकी टंकी फुल हो जाती है यार। चलो जी, अगर स्टॉप ले लिया इसके रेस्ट के लिए और टंकी फुल के लिए, पेट्रोल पंप 100 किलोमीटर नहीं, हम दूर हैं 70 किलोमीटर घर से। सुबह तो अभी फिलहाल रुके हैं हम फरीदाबाद, बुलवा रहे हैं अपनी स्कूटी को, हीट हो गई थोड़ी सी, वो मामा के यहाँ पे आ गए हूँ अपने। चिराग भाई साफ सफाई वाले, जिसको बाइक स्कूटी गाड़ी धुलवानी हो उनसे संपर्क कर लो। सो गाइस फिलहाल मैं घर आ चुका था 7 बजे, और भाई उसके बाद आके मैं सो गया था, अब जाके उठाऊँ रात के हो रहे हैं 9:30 हो रहे हैं। तो भाई इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी मिलते हैं किसी अलग ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। अभी के लिए फिलहाल राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।